अतिथि आए हैं। मैं पहले उनका परिचय आपसे करा दूं और फिर अगली कड़ी में हम उन्हें पुष्पगुच्छ एवं छोटी सी स्मृति भेंट दे करके सम्मानित करेंगे। माननीय राजेंद्र जी, आप वर्तमान में सेवा भारती की पत्रिका निकलती है, मासिक पत्रिका सेवा प्रेरणा, उसके आप प्रधान संपादक हैं, अखिल भारतीय अध्यक्ष हैं, अखिल भारतीय साहित्य परिषद के अध्यक्ष भी हैं, भोपाल इकाई के पूर्व डिप्टी जनरल मैनेजर VHL में आप कार्यरत थे, कला मंदिर जो संस्था है उसके आप पूर्व अध्यक्ष रहे हैं एवं आजीवन सदस्य हैं आर्थर्स गिल्ड ऑफ इंडिया इस संस्था के। आपको बहुत सम्मानों से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मध्य प्रदेश के महामहिम राज्यपाल द्वारा वरिष्ठ नागरिक सम्मान सन 2012, अंबिका प्रसाद दिव्य रजत अलंकरण 2012, साहित्य सेवी सम्मान 1996, बाल साहित्यकार सम्मान 2012, मिलेनियम अवार्ड 2000, तुलसी सम्मान 2006, समीक्षा सम्मान 2011, सारांश साहित्य कला मित्र सम्मान 2009, अभिव्यक्ति सम्मान 1997, महेश जोशी सम्मान 2007, उमा पटेलिया सम्मान 2006, रत्न भारती सम्मान 2013, प्रज्ञा साहित्य भूषण सम्मान 2011, ग्रवाल स्मृति सम्मान 2009, आतिथ्य सम्मान 2008, रंजन कलश सम्मान 2003, अध्यक्षीय सम्मान 2008, इंजीनियर्स पुरस्कार 2006, विशिष्ट साहित्यकार सम्मान 2008, साहित्य सेवी सम्मान 2003। इस प्रकार के विभिन्न सम्मानों से आपको सम्मानित किया जा चुका है। आज आप हमारे इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए हमारे मध्य हमारे आग्रह को स्वीकार कर उपस्थित हैं, हम सभी आपका स्वागत करते हैं। इसी कड़ी में हमारे वरिष्ठ कलागुरु माननीय किरण जी देशपांडे, आप किरण जी का नाम हम सबके लिए सभी के लिए परिचित है, ऐसा कोई भी व्यक्ति भोपाल का नहीं होगा कि जो पंडित किरण जी से परिचित नहीं होगा। श्रेष्ठ कलावंतों के साथ आपने संगत की है और अभी भी इस उम्र में भी सभी कला साधकों को आप मार्गदर्शन दे रहे हैं, ऐसे पंडित किरण जी का संक्षिप्त परिचय। विदर्भ के संगीतानुरागी परिवार में 28 जून 1940 में आपका जन्म हुआ। श्री किरण जी देशपांडे को संगीत विद्या बाल्यकाल के संस्कार स्वरूप मिली। उनके पिताजी संत स्वभाव के संगीतज्ञ थे जिन्होंने शास्त्रीय संगीत को सामान्य आदमी तक पहुंचाने का जीवन ध्येय रखा था। जबलपुर में भातखंडे संगीत महाविद्यालय की स्थापना उन्होंने उसी उद्देश्य से की थी। अपने पिताजी और चाचा सीताराम भगवंत देशपांडे से उन्होंने गायन तथा वादन की शिक्षा प्राप्त की। जबलपुर में कार्यक्रम के आमंत्रित तबला वादकों के घरों में आमंत्रित कर उनसे तबले की विभिन्न बंदिशें और बोल बंडल बोल प्राप्त कर किरण जी ने अपना संग्रह वृद्धिंगत किया। तथापि तबले की घरानेदार शिक्षा उन्हें हैदराबाद के प्रख्यात तबला नवाज मरहूम उस्ताद शेख दाऊद खान साहब से सन 1957 से प्राप्त हुई, जिनका विधिवत गंडा बांधकर शिष्यत्व उन्होंने प्राप्त किया। तबले के विविध धारों की तालीम उन्हें उस्ताद दाऊद खान साहब से प्राप्त हुई। अथक साधना और परिश्रम से उन्होंने अजराना, दिल्ली, फर्रुखाबाद इत्यादि घरानों की विशेषताओं पर भी अधिकार प्राप्त किया। तबले में स्नातकोत्तर पदवी प्राप्त करने के पश्चात के अलावा किरण जी ने गायन और अंग्रेजी साहित्य में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की। कम लोग जानते हैं कि श्री किरण जी देशपांडे गायक भी हैं तथा मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से सन 1969 में चयनित होकर 2002 तक विभिन्न शासकीय महाविद्यालयों में वे गायन के प्राध्यापक और विभागाध्यक्ष रहे। सेवानिवृत्ति के बाद भी अपने निवास पर वे गायन वादन की शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। भारत के सभी बड़े नगरों में आयोजित शासकीय और अशासकीय संगीत सम्मेलनों में उन्होंने तबला, स्वतंत्र वादन और संगति के कार्यक्रम दिए हैं। भारत भवन, तानसेन समारोह, चक्रधर संगीत समारोह,
अमित का संगीत समारोह उत्तर अलाउड टीम का संगीत समारोह महिधर, ये कुछ आयोजन हैं जिनमें उन्होंने एकाधिक बार हिस्सेदारी की है। 1965 में इंग्लैंड में और यूरोप के कई देशों में सफल प्रस्तुति के पश्चात उन्होंने 1978-72, 1983, 1989, 1993 से 2008 तक अनेक बार फ्रांस, चेकोस्लोवाकिया, इटली, स्विट्जरलैंड, कनाडा इत्यादि देशों की यात्राएं की हैं। मध्य प्रदेश के एकमात्र संगीतकार हैं जिन्हें अमेरिका में फिलाडेल्फिया के संगीत विभाग में अतिथि प्राध्यापक और निवासी प्रदर्शनकारी कलाकार के रूप में आमंत्रित किया गया। स्वभावमन्य पंडित रविशंकर जी से पंडित बुधादित्य मुखर्जी तक प्रमुख तंत्रवादकों के साथ और स्वर्गीय पंडित कृष्णा पंडित जी से पंडित उल्लास कशालकर तक गायकों के साथ उन्होंने मनोनुकूल सुमधुर तबला संगति की है। जटिल लयकारी, स्पष्ट बोल, अदायगी तथा दाएं बाएं का सामंजस्य उनके वादन की विशेषताएं हैं। आकाशवाणी तथा दूरदर्शन के वे वरिष्ठ श्रेणी प्राप्त कलाकार हैं। नई पीढ़ी के समर्पित संगीत छात्र छात्राओं को विद्या प्रदान कर उनका भविष्य उज्जवल हो, इसके लिए किरण जी सदैव प्रयासरत रहते हैं। उनके कई विद्यार्थी आकाशवाणी दूरदर्शन पर सफल प्रदर्शन कर रहे हैं तथा कुछ शासकीय सेवाओं में भी कार्यरत हैं। अभी हाल ही में आपको शिखर सम्मान से भी सम्मानित किया गया है और अमृत पुरस्कार, यह भी राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार है, यह भी आपको प्रदान किया गया है। ऐसे कला मनीषियों को पाकर हम धन्य हैं। मैं अरुणाताई से निवेदन करता हूँ कि राजेंद्र जी का सम्मान स्मृति चिन्ह और पुष्प गुच्छ देकर उनका सम्मान करें। आदरणीय अरुणाताई, हमारे मध्य एक और नृत्य विधा की कला गुरु उपस्थित हैं, यास्मीन जी। आप खैरागढ़ घराने से हैं और नृत्य की विधा का प्रशिक्षण भी देती हैं और खुद भी साधनारत हैं, ऐसी यास्मीन जी हमारे परिवार के सदस्य हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वे पंडित किरण जी का स्वागत करें। जैसे पूर्व में बताया था